Unacademy and I are known for releasing, well, the best student of the year. Gentlemen, boys and girls, Unacademy toppers. Give them a huge, huge round of applause. Bye, bro. Chalo, bye guys. Bye, bye. See you. Are you ready to start? Welcome back to my new vlog and welcome back to the fresh vlog guys। एंड आज का vlog काफी ज़्यादा स्पेशल होने वाला आप सभी लोग के लिए, मेरे लिए तो है, क्योंकि आज मेरा फ्लाइट है बेंगलुरु का और बेंगलुरु में बहुत ही बड़ा इवेंट होने वाला है जो कि है RM 2024 बाई अनअकैडमी। एंड इस इवेंट में काफी सारे क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर जैसे कि मैं और बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज, टॉपर्स, बहुत लोग आ रहे हैं। ये बहुत ही बड़ा इवेंट है और मैं इस इवेंट को अटेंड करने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ गाइस। तो फिलहाल आज का डेट है 6 अप्रैल एंड कल ही इवेंट है 7 अप्रैल को। तो आज हम लोग का फ्लाइट है फ्रॉम पटना टू बेंगलुरु और हमारा फ्लाइट है गाइस 10:45 PM में। तो फटाफट हमें निकलना ही पड़ेगा क्योंकि अभी टाइम हो चुका गाइस 6 PM। तो फटाफट गाइस करते हैं हम लोग कपड़े वगैरह पैक। और लिटरली गाइस मैंने कुछ भी पैक नहीं करा है अभी तक और हमें आधे घंटे मैक्सिमम घर से निकलना भी है। और देखो मुझे, मैंने कुछ भी पैक नहीं करा है क्योंकि नीट भी करीब है तो मैक्सिमम टाइम मैं पढ़ाई नहीं दे रहा था और इस चक्कर में मैंने कुछ भी पैक भी नहीं करा है। और मैं बहुत कुछ सोचा था कि मैं इस इवेंट में लाइक ग्रे पैंट, ब्लैक बूट्स, वाइट शर्ट, उसके ऊपर टाई एंड ब्लैक जैकेट पहन के जाऊं, बट कुछ भी मैं कर नहीं पाया। कोई बात नहीं, नेक्स्ट इवेंट में और भी अच्छे से हम रेडी होंगे। बट अभी रिसेंटली मैंने H&M से एक येलो शर्ट और अरमानी से एक ब्लैक शर्ट खरीदा था, तो मैं सोच रहा हूँ ब्लैक शर्ट ही पहन लूँ क्योंकि गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा होगा बेंगलुरु में, और नॉर्मल जीन्स एंड स्नीकर्स पहन लूँ। तो चलो गाइस निकलते हैं हम लोग, बैग वगैरह पैक कर लेता हूँ मैं और निकलते हैं यहाँ से फटाफट। मिलते हैं आपसे गाइस सीधा फ्लाइट में। ओके एंड फाइनली हम लोग बेंगलुरु पहुंच जाते हैं एंड वहां पे हमारे लिए कैब वेट कर रही होती है एंड द टिकट्स, कैब्स, फूड, बेवरेजेस, होटल, एवरीथिंग वाज फ्रॉम अनअकैडमी साइड। एंड थैंक यू सो मच अनअकैडमी फॉर ऑल ऑफ दिस। फिलहाल गाइस अभी टाइम हो रहा है 12:10 रात के एंड रिजॉर्ट पहुंचते मैंने देखा फ्लाइंग बी सर को क्योंकि अभी चल रही थी प्रिपरेशन कल के लिए और कल हो भी जाती है। फिलहाल तो गाइस आप ये चेक करो। अभी हम लोग आ चुके हुए हैं रिजॉर्ट पे और कल हमने स्टे करा गाइस एंड अभी हम लोग आ चुके हैं रिजॉर्ट पे एंड ये है अनअकैडमी का इवेंट जो कि सबसे बड़ा इवेंट होने वाला इंडिया का। तो चलो गाइस चलते हैं हम लोग रिजॉर्ट के अंदर, मिलते हैं आपसे, मिलवाते हैं आपको सभी से। और कौन कौन, काफी सारे इन्फ्लुएंसर आए हुए हैं यहाँ पे, इन्फ्लुएंसर कर रहा था। और ये देखो सामने कौन है हमारे, ट्रिगर्ड इंसान और मिथपैट। इतने सामने से मैं देख रहा हूँ पहली बार ट्रिगर्ड इंसान को एंड मिथपैट को, तो मिलना तो बनता ही था गाइस। और मेरी पूरी फैमिली सौरभ जोशी को एंड डिम्पल मलान व्लॉग्स को देखती है तो मैं भी देखता था गाइस। और आज फाइनली ट्रिगर्ड इंसान से मिल भी लिया। और अचानक से बाहर थोड़ी सी भीड़ लग जाती है और मैं समझ गया उसी टाइम कि इतनी भीड़ किसके लिए लग सकती है, वन एंड ओनली कार्तिक आर्यन के लिए। एंड फाइनली आज कार्तिक आर्यन को भी मैं फेस टू फेस देख लिया, चलो ये भी ठीक है। तो ये था बाहर का एरिया और अब चलते हैं हम लोग अंदर और लेते हैं अपना इन्फ्लुएंसर बैंड। यहाँ पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर आए हुए हैं तो सबको मिल रहे हैं इन्फ्लुएंसर बैंड। फिलहाल तो गाइस आप ये चेक करो, JW मैरियट, बेंगलुरु प्रेस्टीज, गोल्फ शहर का वाइब चेक करो। तो थोड़ी देर बाद सारे इन्फ्लुएंसर को बुलाया जाता है अंदर और यहाँ पे काफी सारे इन्फ्लुएंसर हैं और अगर आप किसी को जानते हो तो आप उनके नेम्स कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। तो चलो चलते हैं अंदर, करते हैं इवेंट को एंजॉय और आप लोग भी करो एंजॉय, ठीक है। तो इवेंट स्टार्ट हुआ गाइस, एक धमाकेदार डांस परफॉर्मेंस है। तो सारे इन्फ्लुएंसर के लिए फ्रंट सीट थी एंड आई एम सो प्राउड कि मुझे भी सारे इन्फ्लुएंसर के साथ वहाँ पे बैठने का मौका मिला। चलिए करते हैं आरम 2024 का शुभ आरंभ, द बिगेस्ट इवेंट फॉर JEE एंड नीट। जेंटलमैन, बिकॉज बोथ अनअकैडमी एंड आई आर नोन फॉर रिलीजिंग, वेल, द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर। स्टूडेंट्स की लाइफ में भी कभी खुशी कभी गम होता है, तो दोस्तों, फ्रेंड्स, आइए अपने अपने नए नोटबुक्स निकाल लो। आर यू रेडी? just kidding. आने हैं toppers आने वाले हैं. So many people are coming. It's going to look like a perfect climax of my film. So are you ready to start? तो ये रहे करण जौहर इस शो के होस्ट अनअकैडमी आरम 2024 के होस्ट करण जौहर. मुझे आज भी याद है मैंने करण सर की फर्स्ट मूवी मेरी फर्स्ट मूवी जो मैंने करण सर की देखी थी वो थी स्टूडेंट ऑफ द ईयर एंड तभी से मेरा फेवरेट एक्टर है सिद्धार्थ मल्होत्रा. और आज सामने से इतने करीब से करण सर को देखना इट्स वेरी बिग थिंग फॉर मी. तो अब भी एक धमाकेदार एंट्री होने वाली है वो भी कार्तिक आर्यन की. तो चलो देखते हैं. मैं चाहता हूं कि आप सब एक बार और अपने लिए चीयर करें. लेट्स ये तो हाइप हो गया सर. अब आप बताइए आगे करना क्या है. अभी बताता हूं. एक बार चीयर करो. तुम लोग क्या करो यार. गाइस कैन आई हियर यू गाइस. एक बार पीछे वाले. अरे लेकिन वो बहुत अच्छा हो गया. कुल्लू पीछे वाले आगे वाले सब हो गया लेकिन वो सब तो ठीक है पर आप लोग क्या कर रहे हो यहाँ. आपको तो थोड़ा बाद में आता था ना. जल्दी आ गया. ये अनअकैडमी का स्टूडेंट है. ये हमारे इन्फ्लुएंसर है और बहुत बढ़िया अनाउंसमेंट लेके आए हैं. हाँ अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के सारे बैचेस का लाइव एंड रिकॉर्डेड एक्सेस. टॉप क्लासेस बाय टॉप एजुकेटर्स. ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस क्वेश्चंस और तो और 24/7 doubt solving भी. So ma'am, sir, and you of course क्या कहते हो पहला रिवील किया जाए. बिल्कुल सर. So अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन फॉर जेई एंड नीट जिसमें ये सब मिलता है आपको एट द कॉस्ट ऑफ 40,000 रुपए फॉर द एंटायर ईयर. अब ये सब आपको मिलने वाला है. हटा दूं श्योर पक्का. तो जैसा कि अभी आपने देखा कि कितना बड़ा प्राइस ड्रॉप हुआ है अनअकैडमी के बैचेस पे. किधर 40,000 और किधर 4,999. 1 ईयर सब्सक्रिप्शन फॉर IIT JEE एंड NEET UG इज अवेलेबल फॉर जस्ट रुपीज 4,999. हाँ जी गाइज बट टिल April 14th only. This is a once in a lifetime offer. From 40,000 prices have been slashed to just rupees 4,999. Many batches have been announced for 2025 and 2026 aspirants. Nimbus, Nexus, and Phoenix with India's best educator with classes starting from 17th April. There are also batches being taught by offline educators जो आपको देख रहे होंगे स्क्रीन पे. These batches will help you to get a complete offline coaching experience from the comfort of your home. With just one subscription, you will get access to all the batches along with all the batches that will get launched. Additionally, you will get access to unlimited test practice questions, DPPs, digital notes, PYQs, dot solving session and much more. And guys, if you want to study offline तो उधर भी आपको 40% तक का ऑफ मिलेगा across all Unacademy's offline coaching center. तो link description में जरूर जाके चेकआउट करना. फिलहाल बढ़ते हैं हम लोग इवेंट में और आगे. ठीक है. Love it. Sania, thank you for joining us. Aapki journey, as we all know, bachcha is desh ka bachcha janta how inspiring your journey has been. You have achieved so much success on the global stage for us. Koi farak nahi Yes, thank you. और आप the moment we all be should be saying. My name is Ruchi Kumari. You have won a family holiday to Dubai. This is from team Unacademy. आइए सर, आइए सर, आपकी बेटी ने कार मांगा है, इतना बड़ा तोहफा सर कैसे? अरे सानिया क्या कहना चाहिए? कार लेकिन सानिया दे सकती है। वाव, अनअकैडमी वही जगह है। Congratulations to all of you. मैं sincerely hope करता हूँ कि आप सबके सपने पूरे होते जाए होते जाए। May God bless you all. प्रार्थी है, उसके साथ इन्वॉल्व होके पढ़ाई मत करना भाई, उसको अपनी पढ़ाई में इन्वॉल्व कर लेना, बहुत जरूरी है। Exams are just a very small part of our life. Exams से ज़्यादा तो हमारा इम्पोर्टेंट हमारा लाइफ है। So yeah. एहसास या लाइक कार्तिक सर ने जैसे बिगनिंग में कहा था कि रियल लाइफ हीरोज तो आप लोग हो, हमने बस आप लोगों को प्ले किया है और हम इमेजिन भी नहीं कर सकते व्हाट यू ऑल गो थ्रू। सो कुडोज टू यू, वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू ऑल। जिसको भी तुम लोग जानते हो उनको स्टेज पे बुलाने वाला हूं मैं, द बीस्ट आईआईटीएन, गिव इट अप फॉर फ्लाइंग बीस्ट मिस्टर गौरव तनेजा। माइक चल गया, अब चला। हेलो हेलो हेलो, चल गया। हाँ सर, आपके टाइम पे ये सब कार वार मिल रही थी क्या? उसमें आईआईटी क्लियर करने पे हमें कुछ नहीं मिला था। मैं अपने पिताजी को बोला मेरे को बाइक दिला दो, कहते मेरे 10th में अच्छे नंबर लाओ। मैंने कहा आ गए पापा, बाइक दिला दो। कहते 12th में अच्छे नंबर लाओ। आ गए पापा। कहते ये दिखनी चाहिए लाइट है सबकी। हाथ ऊपर, हाथ और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर। हाँ, थोड़ा सा नीचे, थोड़ा नीचे 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 नीचे, रोज करते हैं सारे। और नीचे और नीचे, आपकी चेयर के नीचे कुछ सरप्राइज आपके लिए। But we'll have to wait. What's the power behind you? Have you with us on stage, sir? The stage is all yours, sir. Had almost 100 times, but even now they are both back. देखिए अनुपम, पहले तो बहुत स्वागत है आपका। तो अब टाइम था गाइज हमारा स्टेज पे जाने का, एंड ये टाइम मेरे लिए काफी स्पेशल था क्योंकि एक स्टेज पे मैं, ट्रिगर्ड इंसान, मिथपैट और भी काफी सारे इन्फ्लुएंसर रहेंगे और ये बहुत ही प्राउड मोमेंट है मेरे लिए कि मैं उन सभी के साथ स्टेज शेयर कर रहा हूँ। आप अनअकैडमी से हो? हाय सर। स्टेज अभी हम लोग स्टेज के फुल वीडियो के लिए आप जा सकते हो अनअकैडमी के स्पॉटलाइट चैनल पे, जहाँ पे स्टेज का फुल वीडियो है और आप जाकर देखो। हमारे पास बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनको स्टेज पे बुला लेते हैं और वो भी हमारे साथ इस गेम में पार्ट लेंगे। आ जाओ भाई, सारे इन्फ्लुएंसर्स जितने भी हमारे पास हैं, एवरीबॉडी कम ऑन स्टेज। या आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आ कम 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 ऑन स्टेज। इन्हीं लोगों से ले लेना चाहिए था सजेशन। नाइस, कम 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 आ गए। चलो भाई okay. अब आप लोग कौन कौन सी टीम चूज करना चाहते हो? एक टीम चूज कर करके अपने साइड हो जाओ जल्दी। हाँ भाई, जो जीतने वाली टीम है उनके साथ कोई नहीं भाई। चलो लोग ट्रिगर्ड भाई के पास आ गए। अच्छी बात है भाई। 10 चलो हो गए सिलेक्ट हो गए okay. अब बताओ, जीतने वाली टीम है उसको मिलेगा 10 लाख। तो ये आप देख लो किसको कौन सी टीम लेनी है। अरे करे स्टार्ट करो, चलो स्टार्ट करो, स्टोरी वाला स्टार्ट करो जल्दी। एक लड़की थी दीवानी सी, जिसका नाम था काजू कतली। एक लड़के पे वो मरती थी, लेकिन उस लड़के को आईआईटी जाना था। ओके, फिर वो लड़का आईआईटी चला गया और उसको लाली मिल गई और फिर लाली के साथ वो निकल लिया, काजू कतली अकेली रह गई और फिर उसकी कहानी अधूरी रह गई। और इसकी भी स्टोरी हो गई। बहुत बढ़िया भाई, आप लोग ध्यान से सुनो क्योंकि इस राउंड के विनर का फैसला ऑडियंस करेगी। ठीक है, तो आप बताएंगे किसकी कहानी अच्छी थी। मिथपैट भाई प्लीज, आपकी कहानी। 6 शब्द यूज बनानी है। नहीं, तुझे 3 ही करने थे, मैंने तेरे भी 3 कर दिए भाई साहब, एक्स्ट्रा मार्क्स। आप अपनी कहानी, आप अपने 3 शब्द तो बनाइए। बहुत इन दोनों में से चैट में अगर स्पैम कर दो मिथपैट ओपी या ट्रिगर्ड ओपी, जो स्पैम होगा भाई उसको जितवा देंगे हम, ऐसे ही फ्री का। कम ऑन चैट बंद ही कर दिया, चैट बंद कर दिया। अच्छा है, अच्छा है, चली गई चैट। ट्रिगर्ड इंसान, हट जा हट जा हट जा हट जा। ट्रिगर्ड सबसे इंटरेस्टिंग राउंड मुझे लगता है यही वाला हुआ है। ये स्टोरी वो जो सुना रहे थे 1 घंटे से। विनर मैं अनाउंस कर दूं? ठीक है, आपको हैंड रेज करना है, हाथ उठाना है, बोलना कुछ नहीं है। ठीक है, जो पहले हैंड रेज करेगा उनसे पूछेंगे। हाथ ऊपर कर, ठीक है? बाद में ये सवाल लिटरली 10 लाख रुपए का सवाल हो चुका है भाई। क्वेश्चन एक पहेली है, आता भाई। पहेली ये है, बहुत ध्यान से सुनना, दोबारा नहीं बोलूंगा किसी को भी, ठीक है? शनिवार का दिन था, चोर चोरी करके भाग रहा था रोड पे बाइक लेके। चोर की जो अनअकैडमी में, जहां पर आपको मिलेंगे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स, इंडिया के नंबर 1 प्लेटफॉर्म पर, जो कि है अनअकैडमी, डिलीवरिंग बेस्ट इन क्लास रिजल्ट्स। जॉइन अस टुडे फॉर योर सीए प्रिपरेशन। लेट्स क्रैक इट। आई एम अनिल खन्ना। गिव इट अप फॉर ट्रिगर्ड इंसान, गिव इट अप फॉर ऑल द अदर इन्फ्लुएंसर्स। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर जॉइनिंग मी ऑन सच। थैंक यू सो मच। चलो, हर के जीतने वाले को बस हो गया तुम लोगों का। चलो चलो, तो अभी मुझे मेरी कनिष्क शर्मा एंड मैं इनसे पहली बार मिल रहा हूँ और ये बहुत ही अच्छी है एंड वेरी गुड एट हर्ड। अरे मैं तो आई हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब की है, मतलब बहुत पहले से, एंड मतलब आई एम सो ग्रेटफुल टू मीट हिम टुडे। बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं। सो गाइस फाइनली इवेंट ओवर हो चुका है और हम लोग अब जा रहे हैं कैब में, क्योंकि आज ही हम लोग का फ्लाइट बैक भी, मैंने बताया आपको कि 1 दिन का स्टे है हम लोग का वहाँ पे नाइट का, तो भी लाइक रात को। कल हम लोग बेंगलुरु आए थे और इस रिजॉर्ट में रुके थे एंड सेकंड डे हमारा इवेंट था, उसके बाद जस्ट बैक हम लोग का फिर अगेन पटना का फ्लाइट है। तो अभी हम लोग का 6:50 में फ्लाइट गई। चलो गाइस चलते हैं, कैब लेते हैं एंड क्या सर आपका एक्सपीरियंस? अब अभी घर जाकर बात करते अच्छे से, है ना? लेट्स गो गाइस, चलते, सबको बाय करते हैं, फिर मिलते हैं, ठीक है? See you soon. Bye bye. Bye bro. मिलते हैं दिल्ली में फिर। Bye bro. Bye bye. Nice to meet you bro. Nice to meet you bro. मिलते, मैं जा रहा हूँ। जा रहे हो? हाँ। अभी? हाँ। क्यों हाथ काँप रहा है आपका? क्यों? मैं काँप नहीं रहा यार, मैं यार मिलना यार बात ही नहीं हो पाई हमारी। कोई बात नहीं, मिलते फिर अच्छे से, दिल्ली आते फिर। ओके भाई, निकल रहा हूँ मैं। अभी भी फ्लाइट है मेरा, मिलते हैं ठीक है? हाँ जी बिल्कुल। चलो बाय गाइस। बाय 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 गाइस, मिलते हैं ठीक है? ठीक है, बाय बाय, सी यू। कर सकते हो प्लस आप देखो ना एडवांटेज। बाय भैया, सी यू। हाँ मिलते बैठी। क्या हुआ? कैब आ गई। लेट्स गो गाइस, कैब आ चुका है हमारा फाइनली। एरा वो उधर से पिक करना है एक बंदे को। ओके, पहले मैं इधर ही आया। अच्छा, फिर उठ गया। कोई नहीं, वो आगे, इसके आगे। हाँ, निकलने का मन तो नहीं कर रहा था बट हमारा फ्लाइट था आज का ही तो निकलना पड़ा। वैसे ये JW मैरियट काफ़ी अच्छा रिजॉर्ट है, मतलब अभी हम रिजॉर्ट के अंदर ही घूम रहे, इतना बड़ा रिजॉर्ट है, मैं क्या बताऊँ आपको, बट समाओ निकलना पड़ा हमें। क्योंकि हमारा एग्जाम भी है। और ये चेक करो गाइस, कौन आया हमसे एयरपोर्ट पे मिलने के लिए, मेरी भाभी और मेरी क्यूटीफुल गन्नू। गन्नू इसको हम लोग प्यार से बुलाते हैं, वैसे इसका नाम करिष्ठा है। और ये मेरी क्यूटी पाई है, हमारे पूरी फैमिली की क्यूटी पाई है, सबकी क्यूटी पाई है और काफ़ी लोग जानते भी होंगे उसको। और थोड़ी सी बड़ी भी हो गई है। वाटर बॉटल है। गाइस अभी मेरी भाभी मेरा ब्लॉग ले रही। वी मिस यू टू भाभी। आप लोग जाके भाभी का चैनल सब्सक्राइब करो, मैं जाके पिन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में भाभी व्लॉग्स। ये रही गन्नू, ये रजत भैया, गन्नू भी तुम मेरे साथ आ रहे हो? भैया साथ आ रहे हो? भैया साथ दादू पास आ रही है? अरे गन्नू कहाँ गई? आ जाओ आ जाओ। लाइक से सब्सक्राइब पप्पी कर दो, आपको पप्पी कर दो, आपको पप्पी कर दो, आपको पप्पी कर दो, आपको पैरी कर दो, आपको पैरी कर दो, आपको पैरी। चलो लेट्स गो, चलो गन्नू भैया चले गए वेब चेक इन करने, क्या चले आज जिसने जा रहा है उसको। चलो फाइनली बाय बाय, फाइनली भाभी। भाई कहाँ है? कहाँ भैया? पता नहीं कहाँ। भी फिर से करो लाइक सब्सक्राइब। नो बाय बाय बाय। सो गाइस फाइनली वी गेट आवर बोर्डिंग पास। गुलाबी साड़ी तो गाइज़ यही था इस वीडियो में एंड आई होप कि आपको ये इवेंट एंड आपको ये व्लॉग काफ़ी पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड अगर चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। टिल देन बी सेफ बी हैप्पी। मिलते फिर से किसी और ब्लॉग में, तक के लिए बाय।